नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी करने पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को लखनऊ पहुंचे, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में भाजपा द्वारा लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया गया। और कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प को जारी किया। भाजपा उत्तर प्रदेश ने लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रदेश भर से सुझाव एकत्रित कर बनाया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों पार्टी की ओर से आकांक्षा पेटी लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री ने यूपी नंबर एक सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान शुरू किया था। इसके साथ ही मिस्ड कॉल और ईमेल के माध्यम से भी सुझाव लिए गए थे। जन आकांक्षाओं के अनुरूप संकलित भाजपा सरकार के अगले 5 वर्षों के विजन लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी होने के अवसर पर सीएम योगी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सीएम योगी ने कहा कि यह संकल्प पत्र किसानों, युवाओं व महिलाओं पर केंद्रित है। युवाओं महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने, कृषि कनेक्शन पर बिजली के बिल में रियायत देने से जुड़ी घोषणा भी है। धार्मिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा, छात्राओं महिलाओं को स्कूटी देने की घोषणा, हर साल 3 फ्री सिलेंडर देने की घोषणाएं भी इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी 2022 कि आज के अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ आपके सम्मुख यहां पर उपस्थित है। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मित्रों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी का और मंचस्थ सभी अतिथियों समेत आप सबका आज के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं बल्कि पात्रता के अनुरूप हरेक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास, डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। ऋण माफी की योजना रही हो जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफी की कार्रवाई संपन्न होती है, 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हो, या फिर प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न को लागत के 1.5 गुना से अधिक दाम पर अन्नदाता किसानों से क्रय करने, या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य, चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ, 5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुए निवेश और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति और एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन का परिणाम था। 1,61,00,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई। एमएसएमई सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने 60 लाख उद्यमियों को प्रदेश के अंदर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई, सीडी रेशियो को बढ़ाने का कार्य हुआ, तो प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी
आज 2021-22 में उसी बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 10 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन यानी आज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेता गौतम बुद्ध नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। जेवर विधानसभा के रघुपुर में आज दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बखान किया और विपक्ष पर खूब हमले किए। आज मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन सभी नेता आज अपना दमखम दिखाने में जुटे रहे। इसी क्रम में कांग्रेस नेता शशि थरूर नोएडा में पार्टी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगने के लिए निकले, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह का भी जिले में प्रचार के लिए आने का कार्यक्रम था। आज प्रचार के आखिरी दिन वरिष्ठ नेताओं के अलावा स्थानीय नेता और प्रत्याशियों ने भी अपना अपना चुनाव प्रचार कोविड नियमों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जारी रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सियासी रण में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। सीएम ममता बनर्जी आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, साथ ही दोनों नेताओं ने वर्चुअल रैली को भी संबोधित किया। रैली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यूपी चुनाव में सपा के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। इससे पहले भी ममता बनर्जी सपा के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमवार को लखनऊ पहुंची थी और मौसी एयरपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान ममता बनर्जी भी अखिलेश का अभिवादन करती नजर आई। ममता की एंट्री से सपा काफी उत्साहित नजर आई। ममता बनर्जी ने कहा कि वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे और अखिलेश यादव की सरकार बने। हम सभी को भाजपा के खिलाफ संघर्ष में उनका साथ देना चाहिए। सीएम ममता बोली कि यही कारण है कि हमने इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि वे वाराणसी भी जाएंगी और शिवजी मंदिर में दिया जलाएंगी। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हो। सीएम ममता ने साथ ही पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कुंडी खटखटाकर शत प्रतिशत मतदान को लेकर अपील की गई। जालौन में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। डीएम प्रियंका निरंजन ने खुद घर घर जाकर लोगों से शत प्रतिशत मतदान करने के लेकर अपील की। प्रत्येक बूथ पर 2 बूथ एम्बेसडरों के साथ 1613 बूथों पर 3350 स्कूली बच्चों को बूथ एम्बेसडर बनाया गया। शत प्रतिशत मतदान होने वाले बूथों के ब्रांड एम्बेसडरों को सम्मानित किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत डीएम प्रियंका निरंजन समेत स्कूली बच्चों ने जागरूकता अभियान में सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन का सिलसिला जारी है, जिसके चलते भाजपा विधायक ने नामांकन करने से पहले रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सांसद विधायक की मौजूदगी में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। खुद विधायक ने नामांकन स्थल पर जाने के लिए गलत गेट से घुसने की जबरन कोशिश की और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी की। जिलाधिकारी कानपुर देहात जेपी सिंह ने कहा कि पार्टियों की रवानगी हेतु अकबरपुर रानिया रसूलाबाद की पार्किंग विकास भवन के पीछे एवं भोगिनीपुर वे सिकंदरा की पार्किंग वालमाती ओवरब्रिज के पास होगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए जाने के चलते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचन में लगे प्रभारी अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम कुछ बूथों को पिंक मॉडल सुपर मॉडल बूथ के बनाए जाने के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि 32 बूथ पिंक सुपर मॉडल और मॉडल बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पिंक बूथ में महिला कर्मियों को ड्यूटी लगाई जा चुकी है और बूथों को सजावट के लिए तैयार किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण तैयारियां की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने बूथों पर रैंप, विद्युत, प्रकाश, शौचालय, हैंडपंप इत्यादि व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर सभी कमियों को दुरुस्त कर लिया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मिलेगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।